विधायक प्रफुल्ल सामल पुव प्रयास कांति बढ़ला अड़ुआ बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज प्रफुल्ल पुव को बहिष्कार दाबी जोर धरी कॉलेज कर्मचारी और बरपदा विकास मंच पक्ष आज 12 घंटिया बरपदा बंद डाकरा दि जाइए। कॉलेज मैनेजिंग कमिटी चेयरमैन दायित्व थिबा प्रयास कांति बहिष्कार सह प्रफुल्ल परिवार को कॉलेज बहिष्कार दाबी होई। बरपदा बंद जो भद्रक आनंदपुर और भद्रक आगरपड़ा रास्ता संपूर्ण बंद रही तेरे दुई साइट रे सह सह गाड़ी अटकी रही। दीर्घ दिन हेब भद्रक बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज रे कर्मचारी मानकर विभिन्न समस्या को नहीं कॉलेज गेट सम्मुखें धारणा बसी दाबी के न शुणवर शेष में बाध्य आज 53 नंबर राज्य राजपथ में टायर जड़ी रास्ता अवरोध करते कॉलेज कर्मचारी और स्थानीय विकास मंच जनसाधारण बरपदा बजार में पिकेटिंग करने प्लाकार्ड धरी रास्ता उपरे बसी। तेज विधायक प्रफुल्ल सामल पुव प्रयास कांति बढ़ला अड़ुआ बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज प्रफुल्ल पुव को बहिष्कार दाबी जोर धरी 12 घंटिया बरपदा बंद डाकरा दि जाइए। सीधासख नहीं चलु दीप्तिरंजन साहू आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती दीप्ति केमती देखुंत बंद रभाव जो भाई भाव में दीर्घ दिन धरी जो कॉलेज अनियमितता देखी आसा पूर्व प्रतवाद मुंड टेकी आज जो भाई भाव में 12 घंटा बरपदा बंद डाकरा दि जाइए कौन एम निर्दिष्ट दाबी निश्चित भाव में निविदा देखो कैमेरा पर्सन कहबी देखेबे से आम अच्छे 53 नंबर जो राज्य राजपथ जो जा भद्रक रु आनंदपुर और भद्रक रु आगरपड़ा संपूर्ण भाव रास्ता उपरे बस कॉलेज कर्मचारी मैंने आपड़ जानते भल भाव जेहेतु पखापाखि कोटि कोटि टंकार जमी दुर्नीति के लेकिन कॉलेज जो कर्मचारी मैंने गेट सम्मुखें दीर्घ मास धरी धारणा बसते से धारणा आज उग्र रूप नहीं देखिए पुणी थे राजरास्ता बुलाई कॉलेज कर्मचारी धारणारत कर्मचारी और जो स्थानीय विकास मंच रही पूरा राजरास्ता बुलाई रास्ता अवरोध कर देखिपे तार आम फास्ट विजुआल देखा किपर भाव में बरपदा इंजीनियरिंग कॉलेज रु जो परिचालना कमिटर जे पुओ अच्छा प्रयास कांति सामल तांको बहिष्कार करने सहित एवं जो तांको परिवार को कॉलेज रु बहिष्कार करा जाऊ बोली सेमाने दाबी करचुंती एवं सरकार ए कॉलेज रा दायित्व नियंतु बोली सेमाने दाबी करचुंती जहाँ को लेकिन 12 घंटिया आज बंद रखिंट पूरा बरपदा बजार बंद रही संपूर्ण भाव में समर्थन जनई विकास मंच देखिए संपूर्ण भाव कॉलेज जो गेट सम्मुखें जो मैंने धारणा बसते से माने राजरास्ता उपरे बसछन्ति से माने कोन वास्तव रे कोन दाबी रहिछि एवं जो से माने काहे कि आज राजरास्ता गुलेले एवं संपूर्ण भाव रे पुलिस प्रशासन देखि परतियो कि परिभाव रे उपस्थित रहिछन्ति खडन करछन्ति किंतु वास्तव रे कोन तांकर दाबी रहिछि पछि कि बुझिबा हम पाखरे किछि से आंदोलनरत कर्मचारी माने अछन्ति सीधा सड़क पर आलोचना करवा आज्ञा कौन कहे जो कौन आप दाबी रोच जहाँ को आज राजरास्तार उल्लेखते देखो वर्तमान पखापाखि 18 मास है यो कर्मचारी मैंने दरमा पाईना आउ दरमा मागिबा परिवर्ते मिलूँ मानने निर्यातना प्रति निष्ठुरता भाव मनोभाव पोषण कर तेणु आज ये आम बरपदा जो विकास मंच तरफ लोकाल आउ कॉलेज स्टाफ मैंने अच्छा आम ये गोटे मानने बंद डाकरा देचु ताकि दूर दूरांत को समस्त जनापड़े प्रकृत ये कर्मचारी मानक कौन असुविधा अच्छी कौन ना जो लोक ये 18 मस दरमा पाइना से पर केमी प्रतिपोषण करेंगे तेणु एथपाई आज आम लोकाल समस्ते जो बरपदा विकास मंच तथा जो कर्मचारी मैंने अच्छा बीआईटे आम समस्ते एकत्रित होचु कारण आम न्यायपाई जिते उपरक गला बेले भी जो पावर जो पतिहार रही से जो मैंने राजनीतिक स्वार्थ कारण ये कई भी कौन क्षेत्र में मैंने सपोर्ट मिलूना आउ भद्रकर जो रही प्रशासन से प्रशासन संपूर्ण भाव में बिक्री हो कौन क्षेत्र में भी लोक न्याय दाबी से सपोर्ट कर तेणु आम आज बरपदा जो विकास मंच अच्छी से आम बंद डाकरा देचु आगामी दिन मानक जिनस भद्रक भद्रक पर आम दरकार पड़े विधानसभा पर्यटन मत जा पहुँचबू कारण बरपदा कॉलेज का बापर नुह का पैतृक संपत्ति नुह एटी से आसवे खाईदे चोरी करेंगे आउे पलैबे कोड़ी ना भंडारी पोखरी तेणु आज जो मैंने बरपदा को बर्बाद करदे भद्रक को भसई वर्तमान जा भंडारी पोखरी डेरा पकई बस आउ किसी करवाई तेणु एटि समस्त आज आम कहीदू जो लोक बरपदा स्वार्थर बाधा मानने बाधा देव ता विकास बाधा देव ता बाटर आम निश्चित भाव में बाधा सृष्टि करूँ आप मीडिया बाहर द्वारा कहु ये क्या क्षमा दिजावन आक माफ कर दिजावन तेणु से आमको जदि आगामी दिन मानक आत्माहुति भी देवाक पड़ो तेनाली से राजी हो।
ଏତିକି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ସୁଧୁରି ଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ୟାର ପରିଣତ ବହୁତ ଭୟାବହ ହେବ। କଲେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟର ବି ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ମାନେ ଲୁଟେରାକୁ ପକେଟରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ପରିଣତି ବହୁତ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ, ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାରିଛି, ଲଲିପପ୍ ଦେଇକି ଆମକୁ ବୁତେଇ ଚାଲିଛି ଯେ ଆଜି ହେବ, କାଲି ହେବ, ସକାଳୁ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେବ, ସମାଧାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବିକ୍ରି, ସମସ୍ତେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯେ ତେଣୁ ବିଧାନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଲୁଟେରାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଗିରଫ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଇପାରିବନି, ଆଇନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି, ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଲେଜର ଯେଉଁ ମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପୋଷ୍ଟରକୁ କିପରି ଭାବରେ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦ ବୋତଲ ସହିତ ଚପଲ ମାଳ ବି ମଧ୍ୟ ଗଳାଇଛନ୍ତି, ସେପଟରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ କଥା କହିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥା କହିବା, ଉଭୟଙ୍କ ଫଟୋ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ତାଙ୍କର ସଜେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଲେଜରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅନେକ ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପୁଅକୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଛି ଏବଂ ଯାହାର ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବରପଦାରେ ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଆମ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାଶଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।